फंस गए यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास का जो इक्वेशन डिराइव किए थे आप लोग अपने से? नहीं छोड़िए मत जी, अपने से जो मैं शेयर भी कर दिया था पीडीएफ, उसको थोड़ा सा अपने अपने से करते रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए आप अपने से एक बार जब राइटअप करते हैं ना, लिखते हैं ना, तो वो दिमाग में रहता है, मतलब कि जल्दी याद रहेगा। तो फिर यहाँ पर भी नेक्स्ट टाइम कभी भी स्टेप करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार है ना उसको जो डिराइव किए थे उतना मेहनत से, डायरेक्ट हम भी फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन आपको डिराइव करके इसलिए बताया गया है कि मतलब बेसिक समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो उसको आपको करना चाहिए, जितना भी डिराइव किए हैं, जितना भी डिराइव करवाते हैं, उसको अपना करते जाइए। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। रोल नंबर तो नहीं होगा आप लोग का, नेम ही पोस्ट कर दीजिए, ठीक है? देखिए कल जो हम लोग स्टडी किए थे प्रीवियस क्लास में, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे कि दोनों मीडियम डायलेक्ट्रिक था, और उसके लिए हम लोग देखें कि आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या आया, स्टैंडिंग ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या आया। तो आज हम एक पर्टिकुलर स्पेशल केस से स्टडी कर रहे हैं, स्पेशल केस है कि मीडियम वन जो आपका वेव जा रहा है, दैट इज द, मान लीजिए कि ये मीडियम मीडियम फर्स्ट, मीडियम टू, ये परफेक्ट मीडियम वन जो है परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, और ये प्योर कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम। तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है तो सिग्मा वन विल बी जीरो, और यहाँ सिग्मा वन विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर कनेक्टिविटी इन्फिनिटी होगा। जब कनेक्टिविटी जीरो होगा तो देखिए ईटा का जो वैल्यू होता है इंट्रेंसिंग कोएफिशिएंट जे ओमेगा म्यू अपॉन, मान लीजिए कि म्यू वन सिग्मा वन जे ओमेगा एप्सिलॉन वन, और यहाँ पर जे ओमेगा म्यू टू
अपॉन सिग्मा टू जे ओमेगा एप्सिलॉन टू, ठीक है। तो आप देखिए, क्योंकि हमारा जो भी रिफ्लेक्शन कोफिशियंट है और ट्रांसमिशन कोफिशियंट ईटा वन और ईटा टू के फॉर्म में ही है, तो इसलिए हम ईटा वन ईटा टू को फाइंड आउट करना जरूरी है। अगर आप कनेक्टिविटी जीरो पुट करते हो आप, तो ईटा वन सम वैल्यू फाइंड आउट होगा जो कि म्यू वन वाई एप्सिलॉन वन पर डिपेंड करेगा, जो इसका वैल्यू रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ईटा टू का वैल्यू क्या आएगा बताइए, जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ईटा टू का वैल्यू क्या आएगा बताइए। बताइए क्या होगा ईटा टू का वैल्यू, कोई तो बताइए। जीरो सर। जीरो, गुड। तो जीरो आ गया। तो आप पे लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम हुआ था, तो उसमें जो हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किए थे, ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन ईटा टू प्लस ईटा वन, तब जब आप जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। मतलब कि, और देखिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, मतलब कि टू ईटा टू अपॉन ईटा टू प्लस ईटा वन, ये जीरो आ जाएगा। मतलब कि आपका कुछ भी वेव जो है ना, कोई वेव कितनों, मैंने पहले क्या था कि सम पार्ट ऑफ वेव का ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जीरो पार्ट ऑफ वेव आपका ट्रांसमिट होगा, मतलब ट्रांसमिटर कोएफिशिएंट आपका जीरो है। मतलब क्या है, ई टी जीरो अपॉन ई आर इक्वल टू जीरो, तो ई टी जीरो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो भी वेव आपका जो है तो टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट माइनस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भी वेव आपका जो जा रहा था, सेम मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट होके आपका रिटर्न आ जाएगा। मतलब यहां से जो वेव जाएगा इस केस में डायलेक्ट्रिक में, परफेक्ट डायलेक्ट्रिक से कंडक्टर के बीच में, तो ये रिटर्न हो जाएगा, कुछ भी पार्ट आपको सेकेंड मीडियम में नहीं जाएगा। तो टोटल रिफ्लेक्टेड वेव जो कंडीशन है, टोटल वेव जो रिफ्लेक्ट होकर कंबाइन होता है, उस वेव को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो गया और फिर ये जो पोर्शन है रिटर्न हो गया, तो दोनों जो कंबाइन होगा मतलब कि उसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये वेव साइनसॉइडल फॉर्म में इस तरह गया, यहाँ से स्ट्राइक किया, मान लीजिए कि यहाँ जो भी है स्ट्राइक किया, और फिर ये रिटर्न हो गया। तो रिटर्न जो हो गया तो ये जो रिटर्न हुआ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो वेव जो है दैट इज द स्टैंडिंग वेव बोलते हैं इसको। तो इसको स्टैंडिंग वेव के लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, टोटली रिफ्लेक्टेड वेव कंबाइंस विथ द इंसिडेंट वेव फॉर्म ये स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो देखिए ई आई ई वन क्या हो जाएगा, जो पहले हम लोग ई वन था तो हम लोग का क्या था, आई प्लस आर, तो यहाँ पर हम लोग का ई आई इक्वल टू, मान ली एस से हम इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि ये स्पेशल केस है इसमें हम लोग जो उसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है कंबाइन, तो स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो ई आई एस प्लस ई आर एस रिफ्लेक्टेड। तो देखिए ई आई एस क्या था, ई आई जीरो ई टू माइनस गामा वन जेड प्लस ई आर जीरो रिफ्लेक्टेड वेव, और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन हो जाएगा गामा जेड, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ए एक्स, मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वही हेड वाला है, हेड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हेड में एक्स डायरेक्शन में है, और आपका जेड में जो प्रोपगेशन हो रहा था तो रिवर्स जेड हुआ, जिसके कारण माइनस की जगह पर प्लस हो गया। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए।
देखिए परफेक्ट इलेक्ट्रिक मीडियम हो रहा है तो सिग्मा वन जीरो होगा, और जब अल्फा वन का वैल्यू निकालिएगा तो वो जीरो आ जाएगा, और तो गामा वन क्या हो जाएगा यहाँ पर जे बीटा वन, ठीक है। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बताया हुआ है जो कि सिग्मा और एप्सिलॉन और म्यू पर डिपेंड करता है, वो देख लीजिएगा। तो वहां से फिर ये ई आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेम देखें और सॉरी ई आर जीरो अपॉन ई आई जीरो क्या है इक्वल टू माइनस वन है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है जो कि वैल्यू हमारा इस केस में क्या आ रहा है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट माइनस वन, तो ई आर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई आई जीरो हो जाएगा, या कह सकते हैं ई आई जीरो इक्वल टू माइनस ई आर हो जाएगा। तो ई आई एस माने फर्स्ट एस इक्वल टू आपको यहाँ पर ई आई जीरो ई टू माइनस माइनस जे जे क्योंकि गामा इक्वल टू बीटा वन है, जे बीटा वन और ई आर के जगह पर माइनस ई आई जीरो ई टू पावर जे बीटा वन। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए, माइनस ई आई जीरो कॉमन लिए माइनस ई आई जीरो कॉमन लिए हैं तो ये वाला पहले आ जाएगा ई टू पावर जे बीटा वन पहले आ गया माइनस ई टू पावर माइनस जे बीटा वन आ गया। अब यूलर फॉर्मूला से इसका होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर बीटा है थीटा की जगह पर तो माइनस ई आई जीरो कॉस बीटा वन प्लस जे साइन बीटा वन इसके लिए हुआ माइनस कॉस बीटा वन माइनस जे साइन बीटा वन। तो आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा जी, ये देखिए ब्रैकेट हटेगा तो कैंसिल माइक किन्हीं कौन है ऑफ कर लीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ई आई जीरो टू जे साइन बीटा वन। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, और ए एक्स तो रहेगा ही, ए एक्स जो डायरेक्शन है ए एक्स, यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सॉरी बीटा वन जेड भी आएगा ना जी, अलगामा चल जे बीटा का जेड तो साथ में रहेगा ही ना। ठीक है, तो आपका जो स्टैंडिंग वेव का ये जो आया मतलब कि टू जे ई आई एस माइनस टू जे ई आई जीरो साइन बीटा वन जेड एक्स, यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, देखिए उसी तरह फिर एक स्टैंडिंग वेव रेशियो को स्टैंडिंग वेव वेव रेशियो होता है जिसको ऐसे डिपेंड करते हैं वन प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का मॉड अपॉन वन माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का डिवाइडेड। तो ये इसके मतलब क्या होता है ई वन मतलब कि जो फर्स्ट जो आपका आया था ई वन मैक्स अपॉन ई वन मॉड मिनिमम ई एक्स मैक्स और ई वन मिनिमम। देखिए ये जो है रिटर्न जो हो रहा है ई आई जीरो जा रहा है और फिर ये रिटर्न हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सब जगह फेज आपका सेम होगा, फेज सेम होगा तो ऐड होगा, फेज अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ई आई मैक्स कब होगा मतलब कि दोनों जब ऐड हो जाएगा पूरा कंप्लीट ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कब होगा जब दोनों अपोजिट फेज में रहेगा तो वो मिनिमम आएगा। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो मतलब कि वन प्लस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट माइनस वन माइनस मॉड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो
स्टैंडिंग ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का रेंज जो है हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे जीरो से लेके वन तक आ रहा था, माइनस वन जो है मॉड मॉड में वन तक आ रहा था। तो स्टैंडिंग वेव का आपका रेंज हो जाएगा जीरो पुट करोगे तो वन आ जाएगा और ये इन्फिनिटी तक। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है रेंज स्टैंडिंग वेव का रेशियो रेंज और ये रिफ्लेक्शन का रेंज, इस तरह में कंफ्यूजन होता लोग। ये जीरो से वन है, ये वन से इन्फिनिटी है। यहाँ तक में किसी में कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर एक प्रॉब्लम लेके हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जी। जैसे कि आप लोग को जैसे कि लगा होगा कि सर ये तो बता दिया लेकिन क्वेश्चन ये नहीं तो मतलब दिक्कत है। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इन फ्री स्पेस, देखिए मीडियम बता रहा फ्री स्पेस किसके लिए, डेट लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए फ्री स्पेस ए। अब फ्री स्पेस का याद रखना होगा सारा चीज वैल्यू क्या होता है, ए प्लेन वेव विद एच आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहा, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है एच आई टेन कॉस टेन टू पावर एट टी माइनस बीटा जेड ए एक्स मिली एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए लॉसलेस मीडियम, लॉसलेस मीडियम है जिसका वैल्यू दिया हुआ है एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो वैल्यू है टू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है म्यू इक्वल टू एट म्यू नॉट इन रीजन region that greater than equal to zero determine the elected wave HR ER and transmitted wave HT, मतलब कि देखिए आपका दिया हुआ एच आई आपको ई आई भी फाइंड आउट करना होगा तब तो आप अदर अदर आप कर सकते हो। तो आप लोग को यहाँ पर क्या पांच चीज फाइंड आउट करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ई आई फाइंड आउट करना है, उसके बाद एच आर फाइंड आउट करना है, ई आर फाइंड आउट करना है और उसके बाद एच टी फाइंड आउट करना है, ई टी फाइंड आउट करना है। तो इतना चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। दिया क्या हुआ है इंसिडेंट वेव का और मीडियम दिया हुआ है, जो मीडियम वन मीडियम टू दिया है मतलब मीडियम वन मीडियम टू और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपना है। तो देखिए मीडियम वन और मीडियम टू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम वन क्या है, मीडियम वन का आपका मीडियम वन का ईटा वन का वैल्यू क्या होगा, अब बताइए फ्री स्पेस का ईटा वन का वैल्यू क्या होगा बताइए, कोई तो बताइए। जीटा इक्वल टू जीरो सर। ईटा इक्वल टू जीरो कहाँ, फ्री स्पेस के इक्वल टू फाइंड आउट किए थे 120 पाई, याद कीजिए फ्री स्पेस के लिए ईटा का वैल्यू जो इंट्रिंसिक इंपेडेंस बताए थे कि एन जीरो ईटा जीरो आ रहा था तो वो 120 पाई आया था, याद कीजिए। यस सर। है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीछे का चीज है ना रिकॉल करते रहिए, ये तो प्रॉब्लम होगा, फॉर्मूला बहुत है सर,
इसमें जो है ना एमएफटी में बहुत फॉर्मूला है। अब बताइए यहाँ पर ये ओमेगा टी माइनस यहाँ पर क्या होता है बीटा बीटा जेड है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेव है और उसका बीटा जेड आ रहा है और एक बीटा वन इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं बीटा जो इस मीडियम का निकाल रहे हैं बीटा ओमेगा बाय सी। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा का वैल्यू 10^8 है और सी का वैल्यू 3 × 10^8 है, तो क्या आया 1/3। ये हमारा मीडियम वन के लिए चीजें सॉल्व होगा। अब जो है मीडियम टू जाते हैं, तो मीडियम टू का जब बात करते हैं तो बीटा टू क्या क्या होगा हमारा, एक तरह से जानते हैं ओमेगा अपॉन रूट अंडर म्यू और एप्सिलॉन। तो म्यू और एप्सिलॉन यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू है, अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रहता तो हम लोग लिख देते 3/3 × 10^8। तो कुछ कुछ वैल्यू है, तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना है बाबू 8, म्यू नॉट एप्सिलॉन का वैल्यू 2 epsilon naught, तो ये 16 आ गया, 4 बाहर आ जाएगा ओमेगा और ये 4 ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए ये जो चीज आया फ्री स्पेस का वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी तो वेव का वेलोसिटी तो 1 अपॉन जो होता है वो होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 ओमेगा अपॉन 3 × 10^8 क्योंकि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 3 × 10^8 वेलोसिटी ऑफ मीडियम एनीवे। तो यहां पर 3 × 8 हो गया, तो ये इनटू में है तो 1 अपॉन आ जाएगा और ओमेगा का वैल्यू क्या है 10^8, तो ये क्या हो जाएगा बीटा 2 आपका क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, बीटा 2 4/3 आ जाएगा। अब यहां पर ईटा 2 का वैल्यू निकालिए, ईटा 2 आप लोग को पता है जे ओमेगा म्यू म्यू टू प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन 2। अब देखिए मीडियम 2 के बारे में क्या बोला जा रहा है, मीडियम 2 लॉसलेस है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा म्यू टू अपॉन एप्सिलॉन 2, तो म्यू टू बाय एप्सिलॉन 2 आएगा बाबू। तो म्यू टू का वैल्यू है 8 म्यू नॉट और एप्सिलॉन का 2 एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 म्यू टू एप्सिलॉन, तो 2 म्यू टू ये जो होता है म्यू टू बाय एप्सिलॉन 2 ये होता है 2 × इंट्रिंसिक इंपेडेंस मतलब कि ये फ्री स्पेस वाला, तो यहां पर हो जाएगा 245। यहां तक किसी को समझने में डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक इन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। नो सर। आगे बढ़ नहीं है तो डाउट है क्या? देखिए आपका जो एच दिया हुआ है एच वन जो भी है अचाई जो 10 cos मतलब कि 10^8 और ये अब यहां से आपको पता चल गया एच का डायरेक्शन क्या है AH क्या है AX है और AK क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन AZ है, तो AE का डायरेक्शन क्या होगा बाबू AE का डायरेक्शन बताइए माइनस ए वाई होगा क्योंकि AE क्रॉस AH होता है, तो आप यहाँ पर क्रॉस AX ले लिए तो अगर ए वाई लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस AZ आना चाहिए, तो यहाँ माइनस ए वाई होगा, तो आपका AE का EI का इंसिडेंट का जो है माइनस ए वाई होगा। तो देखिए एक्सपेक्टेड मतलब कि हम लोग गिवन दैट एच आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 cos 10^8 t माइनस बीटा वन, यहाँ पर बीटा दिया हुआ है लेकिन हम लोग मीडियम देखेंगे फ्री स्पेस के लिए जब निकालें बीटा तो बीटा वन वैल्यू निकला जो 1/3 है, तो बीटा वन जेड और डायरेक्शन जो आपका था
ए एक्स दिया हुआ है, तो ई आई क्या हो जाएगा आपका, ई आई नॉट, मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है, मैग्नीट्यूड अभी हम निकालेंगे, और ये भी कॉस 10^8 टी माइनस बीटा 1 जेड, और ये जो है माइनस ए वाई आया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए वाई, ठीक है। अब हम लोग ई आई नॉट निकालते हैं। ई आई नॉट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला पता है एच आई नॉट, मतलब कि एच नहीं मतलब एच ही जानी, एच इक्वल टू एच नॉट इक्वल टू ई नॉट बटे ईटा, ईटा होता है। तो मीडियम वन के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो मीडियम वन में हमारा क्या है, ये ई आई है और एच आई है, तो एच आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई नॉट अपॉन मीडियम वन का ईटा वन, तो आपका ई आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा एच आई नॉट इंटू ईटा वन। तो ईटा वन का वैल्यू क्या है आपको बताइए, तो 125 है, और एच नॉट का वैल्यू क्या है 10 इंटू, हम लोग इसको कह सकते हैं ईटा नॉट, नॉट मतलब कि 125, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बन रहे थे, तो ई आई हम लोग को डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस 10 ईटा नॉट कॉस 10^t माइनस बीटा 1 जेड, और माइनस पहले दे दिए इसलिए ए वाई मिली वोल्ट पर मीटर। यहां तक इन्हीं को समझने में डाउट है अभी तक तो बोलिए। अब देखिए नहीं डाउट है तो हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन इंसिडेंट वेव, ये क्या होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, जो कि ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन ईटा टू प्लस ईटा वन। तो आपका देखिए ईटा टू क्या निकला था, टू ईटा नॉट मतलब कि 240 पाई, मतलब कि टू ईटा नॉट अपॉन ईटा नॉट अपॉन टू ईटा नॉट प्लस ईटा नॉट 1/3। तो रिफ्लेक्टेड का मैग्नीट्यूड जो होगा 1/3 ऑफ ई आई नॉट होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकल गया, और रिफ्लेक्टेड वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ई आई का ई आई का जो पहले से डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज नहीं होता। तो ई आई ई आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट ई आर नॉट कॉस ओमेगा टी के जगह पर 10^8 टी प्लस माइनस की जगह पर प्लस रिवर्स डायरेक्शन में बीटा की जगह पर 1/3 जेड और ए वाई, और यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस ए वाई था, और ई आर नॉट निकला है माइनस 1/3 ई नॉट ई आई नॉट। ई आई नॉट क्या है, ई आई नॉट का वैल्यू 10 एन नॉट, तो माइनस 10 एन नॉट अपॉन 3 कॉस 8 टी प्लस 1/3 जेड ए वाई, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि रिफ्लेक्टेड वेव फाइंड आउट हुआ। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा एच आर इक्वल टू जो एच आई था, एच आई का 1/3, तो एच आई क्या था 10 था, 10/3 और कॉस 10^8 टी प्लस 1/3 जेड। अब बताइए यहां पर ए एक्स होगा कि माइनस ए एक्स होगा, कोई बताइए, सर बताइए माइनस ए एक्स होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ, हाँ डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वही कॉन्स्टेंट रहेगा। ये रिफ्लेक्टेड वेव फाइंड आउट हो गया इसके लिए भी। अब आप आइए सिमिलरली ट्रांसमीटर कोएफिशिएंट टी आई जीरो, तो ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आपका निकलता है अब डायरेक्टली टू ईटा टू अपॉन ईटा वन प्लस ईटा टू, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 4 ईटा नॉट अपॉन ईटा नॉट प्लस 2 ईटा नॉट, ठीक है। यहाँ से आपका निकल जाएगा 4/3, और
इसके जगह पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हो, 1/1 मॉड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। कहीं पर डायरेक्टली अगर ये अप्लाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4/3 आपका ये आ रहा है। तो 4/3 किसका, ट्रांसमिटिंग वेव ई टी नॉट 4/3 ई आई नॉट, ई आई नॉट। अब जो देखिए ई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टी नॉट कॉस 10^8 टी माइनस बीटा वन के जगह पर क्या हो जाएगा, बीटा टू। बीटा टू का वैल्यू क्या आया था, 4/3, और ये माइनस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो है जिस डायरेक्शन में थे हम उसी डायरेक्शन में आगे ट्रांसमिट हो रहा है, तो जेड और ट्रांसमिटिंग वेव का भी जो है डायरेक्शन था वो सेम रहेगा, वो तो माइनस ए वाई हो जाएगा। और ई टी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस ई आई बाई 4/3। तो ई आई नॉट कितना हमारा आया था, 10 ईटा नॉट, तो 10 इंटू ईटा नॉट इंटू 4/3 कॉस 10^8 माइनस 4/3 डेट ए वाई, ये आपका ट्रांसमिटिंग वेव का निकला, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटिंग वेव का निकला। और इसी तरह आपका एच टी आपका फाइंड आउट हो जाएगा, आपको एच टी कुछ नहीं, आपको बीटा का यही चेंज होगा, बाकी सब चीज आपका सेम चलते जाएगा। 4/3 इसमें भी 4/3 करना होगा, तो आपका एच टी 10 था, 10 × 4/3 ई आई एच आई, और कॉस 10^8 माइनस 4/3 एक्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव है, डरिएगा मत, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ले लीजिएगा, मतलब कि एक साथ दो प्रॉब्लम है, ए वाई वोल्ट पर मीटर एंड एच आई। फर्स्ट ऑफ ऑल एच आई फाइंड आउट करना है, जो इंसिडेंट है उसको फाइंड आउट एच आई करना है, और जी नंबर है इफ द वेव एनकाउंटर्स ए परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेट normal to z axis at z is equal to 0, find the reflected wave, find the reflected wave dr तो आपको ये दो चीज करना है, मतलब कि ये साइड का मीडियम जो भी है, मतलब कि आपको डिफाइन नहीं किया है, और जो अदर साइड है इनफॉर्म प्लेन वेव, और अदर साइड जो आपका मीडियम है वो प्योर कंडक्टर है, मतलब कि ट्रांसमिट कुछ नहीं होगा, तब रिफ्लेक्ट होगा। तब आपको फाइंड आउट करना है ई आई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एच आई फाइंड आउट करना है, एच आई के बाद आपको मतलब कि ई आर हमेशा फाइंड आउट करना है। आप लोग इसको कॉल करके पूछ कीजिएगा, किसी पर भी डाउट है कुछ तो पूछिए, उसके बाद ये प्लेन वेव हम लोग का कम्प्लीट हो जाएगा। इसी में एंगल वाला भी है, मतलब कि पर्टिकुलर एंगल्स है, उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, उसका ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग का सिलेबस में है नहीं, लेकिन कभी कभी गेट में पूछता है क्वेश्चन जी, तो इसलिए उसको थोड़ा सा फॉर्मूला लास्ट नेक्स्ट क्लास में बताते हुए कि हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड, दो पार्ट बचा हुआ ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड, तो वो भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है पूछिए।
नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि मैं जितना भी डिराइव किया हूँ लास्ट क्लास में, आज का क्लास में, प्लीज मतलब आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उसको बिना आंख मुने हुए, मतलब कि बिना देखे हुए, सॉरी आंख मुने हुए बोल रहे, बिना देखे हुए उसको अपने से डिराइव कीजिए। आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, ये इंसिडेंट वेव का होगा तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट पता है कि आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्ट होने पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपेगेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो, उस तरह से आप अपने से डिराइव कीजिए इसको फॉर्मूला को, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट अपने से निकालिए। उसके बाद आज का जो बताया है स्टैंडिंग वेव का, उसको और ये क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो आज होमवर्क दिए हैं उस क्वेश्चन पर आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज लैब कर सकते हैं क्लास। सर इसको जरा शेयर कर दीजिए ना सर। हाँ मैं शेयर किया हूँ, लास्ट क्लास का भी शेयर किया हूँ, आज भी शेयर कर दूंगा बाबू।